अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ही बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये जो व्लॉग है, ये मेरे पास बना हुआ रखा हुआ था, बट मैं इसे अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी थी। तो ये जो ईद गुजरी है, उस पर मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, तो इस व्लॉग में मैं आज आप लोगों को वही दिखा रही हूँ। ये जो कुर्ता है, ये मैंने लिया था खादी से और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। इसकी जो प्राइस थी वो 21.90 थी और ये जस्ट मैंने ऐसे ही लिया था, इसके साथ कोई ड्रेस नहीं था, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसके बाद ये एक और सैंडल मैंने ली थी, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी थी, बहुत ही सिंपल सी थी और मुझे बहुत ज़्यादा ही इसका जो शेप है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था। और ये इतफाक था कि ये मेरे जो ईद का ड्रेस था उसके साथ ये मैच हो रही थी। उसके बाद ये मैंने लैशेस ली थी काशी से। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने काफ़ी सारी जो शॉपिंग है वो काशी से की है और मैंने काफ़ी सारा मेकअप लिया है और कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी आनी बाकी हैं और कुछ चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये तो मैंने उनके काशीज वालों के पास जाके लिया था। हर आके मैंने जो कुछ काशीज से और चीज़ें ली हैं वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है इनसे। और ये ग्लू है लैशेस की, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, इनकी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर अपनी मेहंदी दिखा रही थी, जो कि मेरी मॉम ने ज़बरदस्ती लगवाई थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके बाद ये जो ड्रेस है, ये आप लोग देख चुके हैं, बट ये सिला कैसे है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने बहुत ही सिंपल सा सिलवाया है और ये मुझे बहुत प्यारा लगा है। जैसे ही मैंने जैसे मैंने टेलर को कहा था, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने सिया है, कुछ ज़्यादा और नहीं लगवाया। जो चीज़ें इसके साथ जो लेसेस आई थी वो ही मैंने लगवाई हैं और एक बहुत ही प्यारी एयरलाइन शर्ट बनवाई है, काफ़ी लॉन्ग। और जो पजामा है वो जार बनवाया है और काफ़ी शॉर्ट बनवाया है। और ये मुझे शर्ट से भी ज़्यादा प्यारा लगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला था बिल्कुल वैसे ही उन्होंने सिया है और बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने जब इस सूट को पहन कर देखा तो वाकई बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं ज़रूर ही आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर किसी को अच्छा लगे तो वो भी अपने लिए बनवा सके। तो ये है, और ये इसका जो दुपट्टा है, इसके जो साइड पर लेस लगी हुई है ये भी साथ में आई थी। तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं इस लेस को शर्ट पर लगवाऊं या ट्राउज़र पर, पजामा पर, तो मैंने इसको दुपट्टे पर लगवाया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। तो मुझे खुद भी बहुत खुशी हो रही थी। तो इंशाल्लाह मैं जब भी ये ड्रेस पहनूंगी, मैं ज़रूर ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। और वैसे सच्ची बताऊँ तो अभी तक इसकी बारी नहीं आई है, तो जब भी इंशाल्लाह पहनूंगी ज़रूर आप लोगों के साथ
शेयर करूँगी। इसके बाद ये एक ड्रेस जो कि मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, ये मेरी मॉम ने दिलाया था मुझे, और अपने लिए भी बिल्कुल यही वाला ही लिया था। और जो मेरी बड़ी बहन है उनके लिए भी मेरी मॉम ने यही वाला ही लिया था। ये उन्होंने गुल अहमद से लिया था और इसकी जो प्राइस थी वो कुछ 7,500 थी। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगा था, ख़ास तौर पे इसका जो दुपट्टा था वो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगा था। बाकी मामा और मैंने बिल्कुल एक जैसा बनवाया था, और ये जो गला था हमने टेलर को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा था, पता नहीं क्यों टेलर ने ऐसा बना दिया था। बाकी ये बिल्कुल सिंपल था, एक कुर्ता स्टाइल था, और मेरी मॉम का भी बिल्कुल ऐसा ही था। और इसके साथ मेरी मॉम ने शलवार बनाई थी, क्योंकि वो हमेशा से शलवार ही पहनना पसंद करती हैं। और मैंने अचार बनवाया था, बहुत प्यारा और बहुत ही सिंपल सा। बाकी ये है, इसका जो गला था वो हम दोनों को ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तो फिर हमने उसे बाद में ठीक करवाया। और इसके साथ गले पे बटन्स भी लगाने थे, पता नहीं टेलर ने वो क्यों नहीं लगवाए, पर हाल हमने बाद में उसे ठीक करवा लिया था। और ये जो मैं अभी बता रही थी ना कि इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो ये है इसका दुपट्टा, बहुत प्यारा है, मुझे तो सच्ची में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा है। इसके बाद मेरा एक सूट है, सूट क्या है, एक शर्ट है जो कि मैंने आगा नूर से ली थी, तो उसका पजामा नहीं था, तो ये मैंने फिर कपड़ा लिया और टेलर से इस तरह से एक बहुत प्यारा सा जार बनवाया और उस पर कुछ ऐसे डिज़ाइन करवाया था। उसके बाद ये है एक और मेरी सैंडल्स जो कि वाकई से मैंने ली थी, और ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मुझे ऐसे कलर्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, और ये मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इसकी कुछ प्राइस 5,000 थी जी, बिल्कुल यस, देखें ऐसे ही 50 रुपये का हम 5,000 थी, तो ये मैंने ली थी। उसके बाद एक और मैंने ली थी, ये मैंने आई थिंक मिलेनियम से ली थी या डॉलमेन से ली थी, और ये मैंने बिल्कुल ही घर के लिए ली थी, घर में पहनने के लिए, और ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। और ये तो मैं पहनती भी हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल भी है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही होती है। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो ज़रूर ही कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा, और बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर ही याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक बहुत अच्छे वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।